आपको एक बजट ब्रांड का बेस्ट टीवी लेना चाहिए या फिर एक अच्छे ब्रांड का मिड रेंज टीवी कंफ्यूजन अगर आपको है तो आज इस वीडियो के अंदर कंफ्यूजन पूरे तरीके से खत्म होने वाली है हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको सोनी एक्स एट्टी ए जे और हाईसेस क्यूलेट के बीच में एक कंपैरिजन करके आपको क्लियरली बताऊंगा कि इन दोनों में से बेस्ट टीवी कौन सा है दोस्तों ये दोनों टीवीज़ मैंने खुद खरीदे हैं और इनके फुल रिव्यूज आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं पूरे तरीके से फॉर्मेट को चेंज कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ कंसंट्रेट करूंगा पिक्चर क्वालिटी पे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इन दोनों में से कोई एक टीवी खरीदना चाहते हैं तो एक्स एटी एजे का 65 इंच मॉडल आपको दिखाऊंगा और हाईसेंस के क्यूलेट का 55 इंच दिखाऊंगा साइज के अलावा इन दोनों के अंदर पिक्चर क्वालिटी या फिर किसी और चीज के बारे में मैं जो भी आपको कहूंगा उसमें कोई भी फर्क नहीं है तो आपने इन दोनों ही टीवी में कोई भी साइज लेना हो वो आपकी मर्जी जो मैं आपको ओपिनियन बता रहा हूं वो दोनों साइजेस पे वैलिड होगा और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे सेल आ रही है इन टीवी को अगर आपने खरीदना है तो प्लीज मेरे लिंक से खरीदिए आपके प्राइस को चेंज करे बिना इस चैनल की बहुत ज्यादा मदद होती है और उसी से हम इस टाइप के प्रोडक्ट्स को खरीद के बिना किसी ब्रांड के दबाव में आए हुए आपके लिए ऐसा कंटेंट ला पाते हैं आप ही हमारी ताकत हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं थैंक यू स क्यूलेट टीवी के अंदर आपको पैनल मिलता है जबकि सोनी एक्स एट्टी जे या फिर एक्स एट्टी ए जे के अंदर आपको आईपीएस डी पैनल मिलता है यहां पे एक फर्क है आपको एक जगह क्यूलेट पैनल मिल रहा है और दूसरी जगह आपको क्यूलेट पैनल नहीं मिल रहा देर इज कैच हेयर सोनी ये डिक्लेयर नहीं करता कि वो क्यू लेड पैनल है वॉट इज अट पैनल लेड पैनल होता है एक क्वांटम फिल्टर के साथ आने वाला पैनल अब वो क्वांटम फिल्टर मैं डिक्लेयर करके एक टीवी में भी लगा सकता हूं और बिना डिक्लेयर करे भी सोनी एग्जैक्टली वही करता है और उसे कहता है ट्राइलिनस डिस्प्ले एंड दैट इज वॉट यू गेट इन सोनी एक्स एटी जे और एक्स एट्टी सीधा चलते हैं पिक्चर क्वालिटी की तरफ और आपको दिखाता हूं कि हाइसेंस क्यूलर टीवी के अंदर आपको कैसी पिक्चर क्वालिटी मिलती है आप दोनों टीवीज के अंदर सेम कंटेंट चलते हुए देखेंगे और उसके अंदर आपको पता चलेगा कि पिक्चर क्वालिटी में दोनों ही टीवीज नेक टू नेक एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं और एक और मजे की बात यह है कि दोनों टीवीज की अगर हम फुल स्क्रीन पर ब्राइटनेस चेक करेंगे तो दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सेम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी TV की declared brightness 700 nits जरूर है, लेकिन that is only for 10% और 25% window. अगर आप उसे 100% window पे करेंगे, जैसे हमने चेक किया, तो उसके अंदर आपको वो ही 475 से 500 हंड्रेड निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी एंड द सेम गोज फॉर सोनी एक्स एट्टी जे और ए जे इसमें भी आपको 480 से लेके 500 हंड्रेड निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी विच इज वेरी गुड क्योंकि आपने देखना है एट द एंड ऑफ द डे विज़न कॉन्टेंट या फिर कोई भी और कॉन्टेंट तो डॉल्बी विजन की बात करी है तो लेट स्टार्ट प्लेइंग डॉल्बी विजन कॉन्टेंट इन बोथ द टीवीज ये कंटेंट दोनों ही टीवी के अंदर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि इसमें से आपको सोनी के अंदर थोड़े से ज्यादा लाइवली कलर्स देखने को मिल रहे हैं डिस्पाइट बींग अगेन आई एम से क्यूलेट टीवी यहीं पर हम लोग धोखा खाते हैं और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सोनी भी एक तरीके से क्यूलेट टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है उसमें भी एक फिल्टर लगा है जो कलर्स को प्योरीफाई करके आप तक पहुंचा रहा है और वही काम होने की वजह से सोनी में आपको ज्यादा अच्छे कलर्स मिल रहे हैं एंड वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट सिंपली द ब्रांड सोनी बहुत ज्यादा खर्चा करता है अपनी पिक्चर क्वालिटी पे एक एक-एक कलर की डिटेलिंग के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा करा जाता है और उनके जो फ़िल्टर्स होते हैं वो ज्यादा कलर्स को बेहतरीन तरीके से प्योरीफाई कर पाते हैं बजाय एनी अदर ब्रांड फॉर दैट मैटर एंड हाईसेंस इज नो वेयर बैड आप हाईसेंस की पिक्चर क्वालिटी दे, देखेंगे तो वो भी आपको बिल्कुल इक्वली टक्कर की पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी फर्क सिर्फ यह है कि आपको कौन सी पसंद है पिक्चर क्वालिटी के अंदर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और वो है है दोनों ही के के अंदर टेक्निकली मिलती है. के अंदर वो है, लेकिन सोनी एक्स एट्टी जे और एक्स एट्टी ए जे आप इन दोनों में से कोई भी टीवी ले सकते हैं इन दोनों में चिप बेस्ड है ए जे के अंदर आपको मोशन फ्लो एक्सआर आर वन हंड्रेड टेक्नोलॉजी मिलेगी लेकिन जे के अंदर यानी एटी जे में आपको वही मोशन फ्लो एक्स 200 टेक्नोलॉजी मिलेगी आप इस चीज को एक गिमिक से ज्यादा कुछ ना समझे क्योंकि मेरे हिसाब से सोनी की मोशन फ्लो एक्स टेक्नोलॉजी आई डोंट थिंक सो इट इज वर्थ हाइप इसकी हाइप थोड़ी ज्यादा है लेकिन यह उतना बेहतरीन तरीके से काम नहीं करती इस टीवी की विदाउट द मोशन फ्लो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है आपको किसी भी टाइप का मोशन ब्लर इस टीवी में देखने को मिलेगा ही नहीं एंड द सेम गोस फॉर हाइसेंस क्यूलेट आप इसके अंदर अगर एमईएमसी को बंद करके इस टीवी को देखेंगे देन यू विल फाइंड कि आपको किसी टाइप का मोशन फ्लो मोशन ब्लर आई एम सॉरी दिख ही नहीं रहा एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बोधीज टीवीज एक बात जो कंपैरिजन करते हुए आपके दिमाग में आ सकती है वो है कि हाईसेंस क्यूलेट टीवी एक फुल अरे लोकल डिमिंग के साथ आने वाला टीवी है और इसके अंदर आपको जो ब्लैक्स मिल सकते हैं वो आपको सोनी एक्स एटी जे और ए जे नहीं दे सकता एन आई हंड्रेड परसेंट अग्री ऑन दिस क्योंकि एक और बड़ा कारण है सोनी एक्स एटी ए जे के अंदर आपको आईपीएस पैनल मिलता है और हाई सेंस के अंदर आपको हाईसेड क्यूलेट पैनल मिलता है कोई भी वी ए पैनल, वी ए क्यू पैनल, यानी आपको जितने अच्छे ब्लैक्स दे सकता है वो कोई भी IPS पैनल नहीं दे सकता बट देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना चाहिए यहीं पे वी ए पैनल की लिमिटेशंस भी हैं। कुछ लिमिटेशंस जो क्यूलेड टीवी होने की वजह से थोड़ी कम हो जाती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती वो है व्यूइंग एंगल्स हाईसेंस क्यूलेट टीवी के अंदर आपको बहुत अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं बिकॉज इट्स अ क्यूलेड टीवी बिकॉज इट हैज वेरी गुड ब्राइटनेस तो आपको बहुत अच्छे शानदार कलर्स एक्सट्रीम साइड पर जाने को भी दिखेंगे लेकिन आपको वो बेस्ट क्वालिटी द बेस्ट जो आपको सामने से देखने को मिलती है वो एक्सट्रीम साइड्स पे नहीं मिलेगी देर विल बी स्लाइट लॉस ऑफ कलर एंड ब्राइटनेस जब आप एक्सट्रीम साइड से हाई सेंसक्यूलर टीवी को देखेंगे बट दैट इज एवर सो लिटल उससे आप इस टीवी को ड्रॉप कर रहे हैं आई डोंट थिंक सो इट्स अ वाइज आइडिया यहीं पे अगर आप सोनी को देखेंगे तो सोनी के अंदर आप जो कलर सामने से देख रहे हैं वही सेम ब्राइटनेस और कलर्स आपको बिल्कुल साइड से दिखेगी एंड द ब्यूटी ऑफ एनी आईपीएस पैनल नाउ कमिंग बैक टू द ब्लैक्स ब्लैक्स के अंदर हाईसेंस इज विनर क्लियर विनर नो वर्ड्स अबाउट इट बट इज सोनी बैड नॉट एट ऑल सोनी के इस टीवी के अंदर जो ब्लैक्स है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा शानदार हैं और पर्टिकुलरली इस टीवी के अंदर जब आप आईपीएस पैनल में अलग से इस टीवी को देखेंगे और ब्लैक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ब्लैक्स की कहीं कमी है या फिर ब्लैक आपको डार्क ग्रे या डार्क ब्लू लग रहा है ऐसा होगा ही नहीं इट इज ओनली वेन यू कंपेयर इट विद वी ए पैनल टीवी या फिर आप किसी वी ए क्यूलेट पैनल टीवी के साथ इसे कंपेयर करेंगे डायरेक्टली साइड बाई साइड ओनली देन यू विल नो दैट हां ये वो ब्लैक नहीं है जो एक वी ए टी वी आपको ब्लैक दिखा रहा है एंड दैट इज कंप्लीटली ओके आप आई पी एस पैनल टीवी ले रहे हैं आपको ऐसे ब्लैक ही मिलेंगे बट आर दे बैड इन नो वेयर इन नो सेंस दे आर बैड मेरे हिसाब से अगर मैं इस टीवी को देखूं तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे ब्लैक्स के साथ आने वाले इस टीवी को बोलूंगा उ कमिंग टू दिक्चर में क्लियर आंसर तो अच्छा दे पाना बहुत मुश्किल है लेकिन इंपॉसिबल नहीं एंड दंसर इज सोनी सोनी के अंदर अगर आप कॉन्टेंट चलाएंगे तो आपको वो ज्यादा बेहतर दिखेगा बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन द कलर मैनेजमेंट जिस तरीके से सोनी ने कलर को ऑप्टिमाइज करा है जिस तरीके से आपको एक एक कलर नेचुरल तरीके से दिखाया गया है वो ऑप्टिमाइजेशन हाई सेंस की नहीं है पीरियड ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है आपको कैसी पिक्चर प्रोफाइल पसंद है बिना कैलिब्रेशन करे सोनी के अंदर आपको नेचुरल कलर पिक्चर प्रोफाइल मिलेगी

सोनी टीवी के अंदर मिलेगी लेकिन आप उस सपोर्ट को पा सकते हैं हाइसेंस टीवी में थ्रू अ थर्ड पार्टी ऐप जो आपको टीवी के अंदर ही देखने को मिलेगी नाउ इफ दैट इज अ कंसर्न फॉर यू पर अब हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्टोरेज के बारे में सोनी के टीवी के अंदर आपको स्टोरेज काफी कम मिलती है यानी आपको 4.4 पॉइंट की यूजेबल स्टोरेज देखने को मिलेगी और हाइसेंस क्यूलेट के अंदर आपको इलेवन जीबी बी स्टोरेज देखने को मिलेगी लेकिन आप दोनों ही टीवीज के अंदर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं यूएसबी ड्राइव लगा के अब आपकी मर्जी है कि आप किस बेसिस पे एक टीवी खरीदते हैं स्टोरेज के बेसिस पे आई डोंट थिंक सो अब बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में और हाइसेंस क्यूलेट के अंदर आपको तीन एच पोर्ट्स मिलते हैं और उनमें से एक ए पोर्ट है और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स मिलते हैं ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट मिलती है और डुअल बैंड वाईफाई भी मिलता है जबकि सोनी टीवी के अंदर आपको चार एच पोर्ट्स मिलते हैं एक एच डी एम पोर्ट मिलता है जो कि सिक्सटी हर्ट्स पे कैप्ट है इस बात को ध्यान रखिएगा और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स मिलते हैं ब्लूटूथ 4.2 मिलता है और डुअल बैंड वाईफाई भी मिलता है इन दोनों की कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जो डिफरेंस है उसे बहुत ध्यान से समझें आपको एच डी एम और ई का एक छोटा सा फर्क बताता हूं जो आपको सोनी टीवी में ई पोर्ट मिल रहा है उस पोर्ट का एक फायदा है अगर आपके पास डॉल्बी एटमोस साउंड बार है तो आप इस टीवी से कनेक्ट करके डायरेक्टली डॉल्बी एटमोस की डिकोडिंग कर पाएंगे अपनी साउंड बार में जो आप डायरेक्टली हाईसेंस क्यूलेट टीवी से नहीं कर पाएंगे ये एक फ़ायदा है जो सोनी टीवी का एक बहुत बड़ा कॉन है वो कनेक्टिविटी ऑप्शंस के अंदर ही छुपा है और वो यही ई पोर्ट है जिसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड नहीं दिया गया ये ना दे के सोनी ने इस टीवी को गेमर्स के लिए बहुत अच्छा टीवी नहीं बनाया क्योंकि ऑटो लो लेटेंसी मोड एच डी एम आई टू पॉइंट वन ई सी का ही एक पार्ट होता है इसलिए नाउ दिस पोर्ट इज ओनली गुड फॉर कनेक्टिंग विद डॉल्बी एटमोस साउंड बार यह काम आप हाईसेंस क्यूलर टीवी में नहीं कर सकते इस बात का भी आपको ध्यान रखना है बाकी सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस दोनों ही टीवी की बिल्कुल सही है आप इन दोनों में से कोई भी टीवी चुनेंगे तो गलती नहीं करेंगे कनेक्टिविटी ऑप्शन के मामले में लास्ट आस्पेक्ट बचा है और उसको भी हम थॉरली डिस्कस करते हैं 20 वॉट की ऑडियो आपको मिलती है सोनी के टीवी के अंदर लेकिन 24 फोर वॉट की ऑडियो मिलती है आपको हाईसेंस क्यूलेट के अंदर तो इनमें से कौन सी ऑडियो ज्यादा अच्छी है क्लियर आंसर सोनी सोनी गि यू सच एंड इमरसिव ऑडियो कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप 20 वॉट के स्पीकर्स को सुन रहे हैं एंड दे साउंड सिंपली ऑसम 24 फोर वॉट के जो हाईसेंसक्यूलर टीवी के स्पीकर्स हैं दे साउंड जस्ट ओके आपको एक एक्सटर्नल साउंड बार की जरूरत पड़ेगी अगर आप एक बड़े रूम में हैं या फिर आप एक टीवी को बड़े रूम में लगाना चाहते हैं एंड द सेम गोज सोनी अगर आप इसे बहुत बड़े रूम में लगाएंगे लेट्स से यू गो फॉर अ 65 इंच टीवी और आप उसे 300 स्क्वायर फीट के रूम में लगा रहे हैं तो आपको एक साउंड बार लगानी चाहिए फॉर अ वेरी गुड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इस चीज का खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप इतना अच्छा टीवी ले रहे हैं एंड मेरे हिसाब से करना भी चाहिए इन दोनों टीवीज की मैंने आपको पिक्चर क्वालिटी बता दी सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया ऑडियो क्वालिटी के बारे में डिस्कशन हो गई और कनेक्टिविटी ऑप्शंस को मैंने आपको डिटेल में बता दिया लेकिन अब बारी है वर्डिक्ट की अगर इन दोनों टीवीज में से मुझे खुद पर्सनली कोई एक टीवी खरीदना हो तो मैं सोनी का एक्स या फिर जे मॉडल लूंगा ये टीवी सर्टेनली हाईसेंस क्यूलेट से ज़्यादा बेटर है और इसमें पिक्चर क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगी और वही आपने इस वीडियो में देखा आप इस टीवी को कहीं से भी खरीद सकते हैं लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो प्लीज मेरे लिंक से लीजिएगा इस चैनल की बहुत ज़्यादा मदद होगी आपके प्राइस को जरा सा भी चेंज करे बिना और यही हमारा फूड है यही हमारे चैनल को चलाता है और इसी से हम इस चैनल का खर्चा चलाते हैं अब एक और बहुत जरूरी बात जो आप में से कई लोग मुझसे मैसेज करके और डीएम करके पूछते हैं कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए इन टीवीज के साथ या फिर नहीं आप चाहे कोई भी टीवी ले रहे हो कहीं से भी ले रहे हो लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी लेना मेरे हिसाब से सही होता है आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी मैं सारी कंपनीज की सारी ऑप्शंस को नहीं जानता लेकिन जिसे जानता हूं उसे रेकमेंड कर सकता हूं मैं गो वारंटी को रेकमेंड करता हूं और वो एक अच्छी कंपनी है आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं उसका कोई अफिलियट लिंक नहीं है आप उसे कहीं से भी जहां से भी सस्ती मिले वहां से खरीद सकते हैं इन दोनों टीवी के बारे में तो अब आपको कंफ्यूजन होगी नहीं लेकिन अगर आपका कोई सवाल है इन दोनों टीवी के बारे में या फिर किसी और प्रोडक्ट के बारे में जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ के मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पता है आपको कहां है उसमें अपना सवाल लिखिए और साथ में एक चीज जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे सोशल मीडिया पे डीएम भी कर सकते हैं और उसमें मैं आपका 48 एट आवर्स के अंदर रिप्लाई करूंगा 100 परसेंट और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी थैंक यू वेरी मच